सांत्रो अभी ए राजू आ इधर आओ ए श्रीवास्तव जी कल वहां से यही सूचना मिला है कि हड़ताल वापस हुआ है। अभी आपकी बातें हमारी बातें कोई बातें जो क्लियर नहीं, अनुमान क्यों लगा रहे खुद से? खुद से अनुमान मत लगाइए, इंतजार करिए, सारी बातें सामने आ जाएंगी। हेलो 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 शांत रहो, तो शांत रहिए आप लोग। अभी अभी मंच की तरफ से अभी शांत रहिए, आपके भी मंच की तरफ से हो रहा है कि आप लोग शांत रहिए, उधर से आ जाने दीजिए। तो फिर क्या जरूरत हुई है सवाल उठाने की? सभी लोग पढ़े हुए हैं, इतिहास पढ़े हैं, बिल्कुल आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा, आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। ठीक है, आप पहले इन सब चीजों को छोड़ करके एक प्रश्न का जवाब हमारे दीजिए कि आप आंदोलन किस बात के लिए कर रहे थे? इससे पहले आपने ये कहा नहीं था कि संविधान वाले आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हड़ताल वापस हो गया, संविधान वाले आंदोलन क्यों कर रहे हैं? पागल है। अब 50 बात आप लोगों की कुर्सी तक उठाने के लिए संविधान वाले पैदा हुए हैं। 75 से बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ साथियों।
सारे लोग साथियों, सारे लोग अपने अपने कार्यस्थल पर जा सकते हो। अगर मेरे पर विश्वास है तो सारे लोग अपने अपने कार्यस्थल पर जा सकते हो। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, पूर्वांचल विद्युत संविदा मजदूर संघ महामंत्री। देवेंद्र जी, फिर से अधिकारियों द्वारा हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी गई, लेकिन अभी संविदा और निविदा के कर्मचारी फिर धरने पर बैठे हुए हैं। नहीं, धरने पर बैठे नहीं हुए हैं, अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए कि जब ये 3 दिसंबर 2022 में जो लिखित समझौते हुए थे उसमें एक बिंदु संविदा की थी कि जो निगमों में भिन्न भिन्न निगमों में भिन्न भिन्न वेतनमान पे लोग काम कर रहे हैं, तो ये हमारे जो संविदा कर्मचारी जो आउटसोर्स से लिए जाते हैं, एजेंसी के द्वारा लिए जाते हैं, उनको 10,000 रुपये दिया जाता है। तो इसलिए इन कर्मचारियों को भी उस वेतन के बराबर रखा जाए, ये मांग उसमें भी था। लेकिन अभी जो संघर्ष समिति प्रदेश से जो लखनऊ से अभी मैसेज अभी हमने पढ़ा है, अभी अभी अब मिला, तो उसमें ये आया है कि अभी किसी के भी मांग को लेकर के उन्होंने कहा है कि इस पर बाद में बैठ करके इसको समझ करके हम लोग उसको करेंगे। ये चीज़ वहाँ से अभी आया है, अभी ना तो रेगुलर का कोई काम हुआ है, ना तो संविदा का ही कोई बात अभी कुछ लिया गया है। इतना हुआ है कि चूंकि कोर्ट का हवाला दे करके जो सकते वहाँ पीछे जब हुआ था धरना प्रदर्शन, उस समय PIL दाखिल हुआ था हाई कोर्ट में, उस हाई कोर्ट का दलील दे करके इसमें एस्मा लगा हुआ है, उसका दलील देते हुए और अपने कर्मचारी जो हमारे जो कर्मचारी थे जिनका निलंबन हुआ था। देखिए, कर्मचारी का मतलब यह है कि हम धरने पर लेके जाएं या हड़ताल में लेके जाएं तो हमारे कर्मचारी वापस आए भी, ऐसा ना हो कि हम लेके जाएं और उनको शहीद कर दें, तो ऐसा भी नहीं हमको करना है। तो हम दोबारा लड़ाई लड़ेंगे जब हमारी जब मांग वहाँ से जब मिनट्स पेपर बनेंगे, जब समझौते होंगे संविदा का, जब उसमें कोई मांग नहीं आएगा, जो एक मांग है उस पर नहीं कुछ विचार आएगा, तो फिर हम संविदा के लोग पूरे प्रदेश के दरी बिछाने का काम करेंगे। मित्रों, यही इतना करना है। मांग ये है कि हमें एक सम्मानजनक वेतन चाहिए, हमें रेगुलर ना करें, लेकिन जो आज 8,000-10,000 में जो नौकरी करवा रहे हैं, ड्यूटी करवा रहे हैं, उसमें कम से कम 20,000 से 25,000 के बीच में हमारा भी वेतन होना चाहिए, ये मांग है। अभी हमारी मांग क्या, उसमें किसी की भी मांग नहीं मानी गई है। 14 सूत्री मांग है, उसमें किसी की बात को अभी मानी नहीं गई है। ऊर्जा मंत्री और श्रम मुख्यमंत्री ने चेयरमैन को बोला है कि इस इनके बिंदुओं पर बैठ के इसे वार्ता करें और इसे समझौता करके इसको लागू कराएं। अभी ये बात हुई है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।